मुस्लिम धर्म आधारित राजसत्ता है, उन सब देशों में तलाक बिद्दत का कोई नामो निशान नहीं है। तो हम सब उन विषयों पे अपने सुझावों के साथ एक नए कानून बनाने की आधारशिला जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सामने रखी है उसको हम बनाएं, और इसलिए बनाएं कि भारत के संविधान में जो महिलाओं को अधिकार मिला है उसकी पुनर्स्थापना हो, देश के उस समाज में जिसमें आज भी महिलाएं सबसे ज्यादा अशिक्षित हैं, आज भी महिलाओं के साथ जितनी प्रताड़ना होती है उसके बारे में केवल 0.1% चर्चा होती है। तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा हासिल तो यह है कि यहां पर इस शहर में बैठकर हम इस खुले सभागृह में बैठकर इस विषय पर चर्चा कर पा रहे हैं। ऐसे विषय जिनको अस्पृश्य बना दिया गया, ऐसे विषय जिनको टैबू बना दिया गया, ऐसे विषय जिनकी चर्चा करना तक गैर जरूरी समझा गया, ऐसे विषय जिन पर चर्चा करना पाप और अपराध की श्रेणी में आता था, एक पत्रकार को भी उस पर कलम चलाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था कि कहीं हम किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत तो नहीं कर रहे, इंसानी भावनाओं का चाहे कितना भी दुहन होता रहा। दुर्भाग्य इस देश के पुरुषों का कि उन्होंने अपनी इस कमी को दूर क्यों नहीं किया, क्यों जरूरत पड़ी हमें कानून के पास जाने की, जरूरत इसलिए पड़ी, मेरा व्यक्तिगत मानना है, अशिक्षा और कट्टरता हमेशा समाज को कमजोर करती है। मेरे आज भी कई मुस्लिम मित्र हैं जिनकी एक ही पत्नी, आज भी वो अपनी पत्नी को उतना ही आदर करते हैं जितना हम लोग करते हैं। मीना कुमारी को उनके पति कमाल अमरोही ने तलाक दे दिया, बाद में कमाल अमरोही जी को लगा के गलत हो गया, मीना कुमारी को तलाक नहीं दिया जाना चाहिए था, तो तलाक जितना त्रासदायी था उससे ज्यादा उसका इलाज था। कमाल अमरोही ने कहा कि तलाक तो गलत हो गया है, मीना कुमारी को वापस मेरी शरीयत के हयात बनना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए शरीयत ये कहती है, हदीस ये कहता है कि हलाला किया जाए।